लोग हैं बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले पाते। हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूँ परमवीर सिंह। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। दरअसल वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार से, बिहार एनडीए से ये डिमांड कर रहे हैं कि एक बैठक बुलाई जाए। क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी जो पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि खुश हैं आप और लगता है कि एनडीए बिखर जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में, कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो, और एनडीए के घटक दल होने के नाते, एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी भी कुछ मांग है, और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है, उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने कल बात रखा, और बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। नहीं, हम अपनी बात को रखें कि शीघ्र ही एक एनडीए का बैठक रखे, और कुछ बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने में बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर्स वाला बात, तो लीडरशिप ही जगह पे हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, सब जगह प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं। तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा, और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया है। मानते हैं कि पिछड़ा समाज को, आप जो आरक्षण की बात है, जो 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है ऐसे? कुछ लोग हैं बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले पाते। जेडीयू बीजेपी से हैं? अब तो हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े, और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो उसके लेके हमने एक मांग रखा है कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो, और एक एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, चार पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना, तो ये गलत है। तो इसको लेकर हमने मजबूती से बात को रखा, और हमारा पार्टी का मांग है कि 18% जो आरक्षण है उसमें 15% बढ़ोतरी करके 33% पिछड़ों को सम्मान मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, इस बात को जब आप चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। हाँ, तो ठीक है, उनको हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा, हमारी विचारधारा है गरीब लोगों को सम्मान देना, और वो हमारी विचारधारा किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, हमारी विचारधारा जो है हमारी पार्टी के हिसाब से चलता। तो हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिलाएंगे। आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये आपके पीठ पीछे या कह सके तो खिल्ली उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ नहीं है, ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सब चीज़ें जो उसको जो बोलना है, यही तो बात है ना कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहे, और विधायक जो होते हैं ना, वो पार्टी बनाता है, पार्टी को विधायक नहीं बनाते हैं। तो पार्टी आज 4 है, कल 40 बनाने का निर्णय ले चुला है, और 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके बाद देखिएगा 40 विधायक होंगे। जी हाँ, मैं अभी बलिया में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, रोज 2-3 कार्यक्रम सभा लग रहा है, और अभी लगातार हमारा 5 तारीख तक शेड्यूल बना हुआ है, और 5 तारीख तक मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा पे ही रहूंगा। एकदम अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा पार्टी वहाँ पे डेवलप कर रही है, और बहुत सारे हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी पे विश्वास हो रहा है, और सब लोग जुड़ भी रहे, और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि वीआईपी पार्टी के कितने विधायक जीत के आते हैं और कितने समर्थन प्राप्त होता, कितना वोट बैंक होता, वो 10 तारीख को आपको बिहार में नहीं, 5 तारीख के बाद आएंगे। बिहार में अभी आप हैं, नहीं सरकार में हम तो है ना, सरकार हमारी है, और हमने बोला कि किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी अगर लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। तो आपने देखा कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब से वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, तब से कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें परेशानी हो रही है और वो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मैं बिहार एनडीए के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको मैंने यह सूचना दिया है कि जल्द से जल्द आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक एनडीए की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है उसे और अधिक आरक्षण मिले, इसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, बिहार एनडीए मजबूत है, और बिहार की जो सरकार है वो
5 सालों तक चलने वाली है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे पास 4 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में यह 4 से 40 हो जाएंगे, आप 2025 तक इंतजार कीजिए। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके विधायक आपके साथ हैं, इस बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी विधायकों को बनाती है, ना कि विधायक पार्टी बनाते हैं। तो ऐसे में आज 4 है, कल 40 हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आरक्षण को मुद्दे को लेकर बिहार में आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरह से आरक्षण का मुद्दा लेकर मुकेश सहनी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और अभी भी वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अभी वो बलिया के लिए रवाना हो गए हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।